الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة زبر باء أب. همزة زبر باء أب. باء زبر باء. باء زبر باء أب. أب با أب با أب با يبي همزة زبر با أب همزة زبر با أب با زبر با با زبر با أب با أب با سام اونچا پڑھیں أب با أب با شابا دیکھا سام پڑھو أب با یہ بچو اب اس میں پہلی آپ سوال کریں आपने नहीं किया कि मैंने पढ़ा हमजा जबर ये तो अलिफ है ये एक सवाल था ना तो इसका क्या जवाब है क्योंकि अरबी में अलिफ नहीं होता इसलिए इसको हमजा पढ़ेंगे और हमजा को हम लोग हमजा पढ़ेंगे ठीक हो गया लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो आप कोई कहे ना अलिफ जबर आ ये उसने अलिफ पढ़ा ना अलिफ देखिए अलिफ ऊपर जबर पढ़ा तो उसने भी आवाज़ जब बाद में बनी ना अलिफ जबर आ वो भी हमज़ा ही बन गई अगर वो यूँ कहे हमज़ा ज़बर आ तो फिर भी हमज़ा ही आ बन गया ठीक है तो यूँ कहते हैं बच्चों को हाँ जी तो यूँ कहते हैं कि शक्ल को देखें बोले शक्ल को देखें शक्ल को देखें अलिफ लगता है अलिफ लगता है आवाज़ कानों से सुने आवाज कानों से सुने आवाज देखी तो नहीं ना जाती सुनी तो हमजा बनता है हमजा बनता है अब देख लेना अलिफ जबर आ अलिफ जबर आ अच्छा आपने अलिफ पढ़ा लेकिन आवाज किसकी बनी आ हमजा जबर आ अब समझ आया नहीं तो शक्ल को देखे तो क्या लगता है अलिफ लेकिन आवाज को सुने तो हमजा तो अगर कोई कहे अलिफ जबर आ वो भी ठीक है अगर कोई कहे हमजा जबर आ वो भी ठीक एक तो ये बात दूसरी बात इस बॉक्स में बा कितने लिखे हैं दो बा दो है ना हसाम कितने बा हैं दो हैं अच्छा अब आपसे मैं सवाल करता हूँ इस बॉक्स में बा कितने हैं एक गलत ये समझना है दो ये भी गलत है तीन ये भी नहीं जी आवाज के तौर में दो हाँ वेरी गुड तो यूँ कहना है कि बा लिखी एक है हाँ जी लिखी एक है लेकिन पढ़नी दो है ये भाई जी बोले शाद वाला अरफ भाई शाद वाले अरफ को बोले ना जी शाद वाले अरफ मिलाकर सख्त करके दो बार पढ़ते हैं दो बार ये पॉइंट तीन बातें कहें शाद वाले हरफ को शाद वाले हरफ को पहली बात मिलाकर दूसरी बात सख्त करके दूसरी बात सख्त करके फिर तीसरा पॉइंट है दो बार पढ़ते और दो बार पढ़ते हाँ। कैसा आप जी बच्चों अब बा अब जी आप अभी रिपीट करें शाद वाले हरफ को कैसे पढ़ते हैं कहें मिलाकर बोले हमने सख्त करके सख्त बार ये नोट रखना है आपने किस अब अब बाम आपका सबक इधर है हमजा जेर बा इब हमजा जेर बा इब बा जबर बा बा जबर बा इब बा इब सख्त करें इब बा इब बा आगे जी अब इस बॉक्स में कितने बा हैं दो हैं आपसे सवाल है जी आप इस बॉक्स में कितने बा हैं दो गलत ये भी गलत लिखा एक है बोले लिखा एक बा का ही पूछ रहा हूँ ना तो बा कहें लिखा एक है आवाज दो है पढ़ने दो हैं बा लिखा एक है लेकिन बा पढ़ने दो है वो किसकी वजह से शायद शायद की वजह से शायद इसलिए तीन बनाएंगे ताकि पता चले कि चले जी हमजा जबर जीम अज हमजा जबर जीम अज जीम जबर जा जीम जबर जा अब ऐसे पढ़ते हैं अज अज जा जा अब हमने सख्त नहीं किया सख्त करने अज जा अज जा अज जा अज जा ये जीम कितने हैं इस बॉक्स में
सुन रही हूँ। जीम कितने हैं इस बॉक्स में? दो। पढ़ने कितने हैं? दो। दो। लिखे भी दो हैं, पढ़ने भी दो। अब जी इस बॉक्स में जीम कितने हैं? दो। लिखने में है के पढ़ने दो हैं। अच्छा कैसे पढ़ने? अब तरीके में कहना है मिलाकर, हाँ कहे मिलाकर, सख्त करके, सख्त करके दो बार पढ़ने। अज्जा हमजा ज़ेर जीम इज, हमजा ज़ेर जीम इज, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, इज्जा, इज्जा। चलो जी अब इसमें हमजा पेश जीम उज, हमजा पेश जीम उज, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, उज, उज जा, जा, उज जा, उज जा। पढ़ते हैं ये पूरी लाइन। अज्जा, अज्जा, इज्जा, इज्जा, उज जा, उज जा। देखो बच्चों इस समझाने के लिए इन्होंने दिया कि एक बॉक्स में दो जीम लिख दिए तो उनकी भी आवाज सेम है अज जा, और एक में एक लिखकर शब्द डाला तो वही आवाज है अज्जा। समझा गया? अब इस लाइन इस बॉक्स में इन्होंने दाल कितने लिखे हैं? दो। तो पढ़ने भी कितने हैं? दो। इधर क्यों? तो एक पर जज़्म है ना, जैसे जज़्म वाले को भी मिलाना है। हमजा ज़बर दाल अद मिला दिया, अब शाद वाले को भी मिलाना है हमजा ज़बर दाल अद। अब इधर इन्होंने दूसरा अलग लिखा है दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा। इधर हम खुद से कहेंगे शाद वाला मिला लिया दोबारा पढ़े दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, अद दा, अद दा, ना अद ना नहीं करना सख्त करने को, अद्दा, अद्दा। ये आपकी मिस्टेक होती है, शाद वाले अरब को आप मिलाते नहीं है कभी, या मिलाते हैं तो सख्त नहीं करते, सख्त करते हैं तो दोबारा नहीं पढ़ते। यानी तीन गलतियां के चांस हैं शाद वाले अरब में। क्या? कि बच्चा या तो मिलाता नहीं है, या मिला दे तो सख्त नहीं करता, अगर सख्त कर दे तो दो बार नहीं पढ़ता। ये आपने पॉइंट आप सबक पढ़ते नोट करना। अद्दा, इद्दा। ये आगे हमजा पेश दाल उद, हमजा पेश दाल उद, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, उद दा, उद दा। अब जैसे पहले आप ही ने पढ़ा ना उद, वो सही था लेकिन शब्द की वजह से अब सख्ती करनी थी तो वो गलत था। अकेला दाल हो ना ऐसे हमजा पेश दाल उद ऐसे ही होता है। चले जी अब ये वही रिपीट कर रहे हैं। अब बा, अब्बा, इब्बा, इब्बा, उब्बा, उब्बा, अज्जा, अज्जा। सख्त करना है, मिलाना है दो बार। अज्जा, अज्जा, इज्जा, इज्जा, उज्जा, उज्जा, अद्दा, अद्दा, इद्दा, इद्दा, उद्दा, उद्दा। अगर जी अक्को, अक्को, कौफ मोटे है को, इक्को, इक्को नहीं करना सख्त करना, इक्को, इक्को, उक्को, उक्को। अभी अप्पो, 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 इप्पो, इप्पो, उत्तो, उत्तो। ना ये तो पे नहीं आवाज करनी, ये ता में आएगी जो आपने अभी बनी। अत्ते, अत्ते, इत्ते, इत्ते, उत्ते, उत्ते। अभी अक्का, आप सब खामोश रहेंगे सिर्फ हसाम ही पढ़ेंगे। पढ़े भाई हसाम। अब्बा, इब्बा, उब्बा, अज्जा, अज्जा, इज्जा, इज्जा, उज्जा। अपने अद्दा, अद्दा,